हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको मेन का एक अगला स्टेप, इससे पहले वाले वीडियो में अपने लेस देन कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मेन कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को पढ़ा है। आज मैं आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक दूसरा टॉपिक यानी कि मोर देन, इससे पहले आपने लेस देन पढ़ा है, अब मैं आपको मोर देन कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से मीन का कैलकुलेशन करते हैं इस चीज़ बताने वाला हूं कि मीन का कैलकुलेशन मोर देन कम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे करेंगे। चलिए हम समझते हैं, इसके लिए मैं एग्जांपल लूँगा। एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा है, एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, क्वेश्चन है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के थ्रू आपको मीन की कैलकुलेशन करनी है। डेटा क्या क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, मोर देन टेन, मोर देन ट्वेंटी, मोर देन थर्टी, मोर देन फोर्टी, मोर देन फिफ्टी, मोर देन सिक्सटीन, मोर देन सेवेंटी। उसी तरीके से स्टूडेंट दिया हुआ है मोर देन जीरो है 150, मोर देन टेन है 140। आप देख सकते हैं इस तरह। अब मैं सबसे पहले ये बता दूँ, इस तरह के क्वेश्चन को जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेस देन वाले में, लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था, जो कुछ भी दिया हुआ है सबसे पहले हमें आपको निकालना पड़ता है क्लास इंटरवल, और जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इसके थ्रू हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना है, खाली फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या चीज़ दे रखे। आपको पता है मोर देन जीरो, मोर देन जीरो तो ये सारे हैं, तो इससे मतलब जब सारे मोर देन जीरो है देन ये जो आपका डेटा दिया हुआ है ये भी मोर देन जीरो, मतलब सारे के दे रहा है, यानी कि ये टोटल है 150। रूल क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, मोर देन जीरो से जब स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से सारा है तो इसको जस्ट उसके जस्ट नीचे वाले से माइनस करते हुए चलते हैं, सिंपल सा तरीका है। तो मोर देन जीरो, जीरो से कितना ज़्यादा हो सकता है, अब देखो टेन टेन का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो इसका जीरो से ज़्यादा कितना हो सकता है, जीरो टू टेन, और टेन से ज़्यादा ट्वेंटी तक, यानी कि टेन टू ट्वेंटी, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल में लेके आना है। अब उसी तरह से जीरो से टेन तक कितने डेटा हो सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ये पूरे के पूरे सारे दे रखे हैं। जब टेन जीरो से टेन तक 140 है, तो जीरो से टेन तक कितना हो जा रहा है, 150 में से हम माइनस कर देंगे 140 को, यानी कितना आ जाएगा ओनली 10। तो इस तरीके से हम क्लास इंटरवल तैयार कर लेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी तैयार कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डायरेक्ट मैथड, डायरेक्ट मेथड बिल्कुल इजी रहेगा इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। चले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करने के लिए इस तरह से एक टेबल बनाना पड़ता है। सबसे पहले दे रखा है मार्क्स, क्या क्या दे रखा है, जीरो टू टेन, और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल निकालूंगा, क्लास इंटरवल मोर देन जीरो, मैंने कहा था मोर देन जीरो, जीरो से कितना ज्यादा हो सकता है, अगला स्टेप टेन तक, टेन से ज्यादा दे रखा है, जीरो से टेन, तो पहला हो गया जीरो से टेन। आप सब में टेन टेन का डिफरेंस है तो हम टेन टेन के गैप में लेते हुए चलेंगे। कहेंगे क्लास इंटरवल अलग अलग दिया रखता है, वहाँ पर ध्यान रखने की बात है, लेकिन हमारे यहाँ पर सब में सेम दे रखा है तो हम सेम डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हुए चलते हैं। अगर अलग वाला आता है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और ये 70, क्योंकि सब में 10 का है तो 72 से ऊपर कितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें केवल 10 का गैप लेना है, तो 70 to 80 आ गया। अब हम बात करेंगे मिड वैल्यू की, x का मतलब मिड वैल्यू, इस ci का मिड वैल्यू निकालते हैं। तो 0 से 10 का मिड वैल्यू कितना आ गया, 5, सब में सेम है इंटरवल, देन 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75, ये हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका मैंने बताया था, कोफिशिएंट दिया हुआ है क्योंकि सब में एक दूसरे के इंक्लूड किया हुआ है, देन हम जो है पहला डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए 150 से उसके जस्ट नीचे वाले को माइनस कर देंगे 140 को, ये हो गया 10। नेक्स्ट आ जाएगा 140 to 100, ये आ गया आपका 40, 100 में से माइनस कर देंगे 80 में से 80 को माइनस कर देंगे 0, अब यहाँ पर माइनस कर देंगे हम 80 में से 70 को 10, 70 में से 30 माइनस कर देंगे 40, और 30 में से 14 माइनस कर देंगे 16, और 14 के नीचे कुछ नहीं है, तो 14 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 14 ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी आ गया एफ, अब हम एफ का टोटल कर लेंगे क्योंकि सिग्मा एफ चाहिए होता है, तो जब आप पूरा इसको ऐड करेंगे ये आपको, क्योंकि आपका टोटल जो है 150 है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर टोटल भी 150 आना चाहिए, ऐड करके देखिए आपका 150 ही आएगा। अब निकालेंगे हम एफ एक्स,
एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन, टेन और फाइव फिफ्टी, फिफ्टी फोर जा सिक्सटी, और आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं हम, थर्टी फाइव जीरो का जीरो, फोर्टी फाइव बन जा फोर्टी फाइव, आप इसको माइनस कर देंगे जीरो, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव जा ट्वेंटी ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी टू हंड्रेड, सिक्सटीन और सिक्सटी फाइव का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आ जाएगा वन थाउजेंड फोर्टी, और सेवेंटी फाइव फोर्टीन का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा वन थाउजेंड फिफ्टी। अब काम है हमारा एफ एक्स को टोटल करने का, एफ एक्स को टोटल करेंगे ये टोटल जो करके देखिए इसका टोटल आ जाएगा फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी, ये हमारा एफ एक्स का टोटल आ गया। अब हम इसमें फार्मूला बिठाएंगे, फार्मूला क्या है सब कुछ जो कुछ भी दिया हुआ लिख देते हैं इस तरह, हेयर सिग्मा एफ इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी, दैट्स वी यूज मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दैट्स मीन सिग्मा एफ एक्स इज फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड फिफ्टी, और ये मीन निकालेंगे, जीरो से जीरो कट गया, फिफ्टीन से इसको डिवाइड कर देंगे तो फिफ्टीन थ्री ज़ा फोर्टी फाइव, और जो रिमाइंडर बचा अगर जिसको दिक्कत होती है तो अलग से जाके आप जो है इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके देखिए कितना आता है, फिफ्टीन थ्री ज़ा फोर्टी फाइव बचेगा कितना थ्री, वन इधर बचा नाइन, फिफ्टीन नाइन ज़ा वन हंड्रेड थर्टी फाइव बचेगा फोर, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी जीरो जीरो, ये कभी डिवाइड नहीं होगा, फिफ्टीन सिक्स ज़ा नाइन्टी, तो ये आ गया आपका आंसर 39.26 अप्रॉक्सीमेटली, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। थैंक यू।